अपने आप को परखना है कि क्या हम सचमुच में यीशु के लिए जीवन बिता रहे हैं या नहीं। यीशु के बलिदान को, यीशु के पुनरुत्थान को हमने सही रूप में जान लिया है या नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस वचन को जानने के बाद भी यदि आप खुद के बारे में सोच रहे, यदि आप खुद के ही अनुसार आपका जीवन बिता रहे हैं, तो इसका मतलब यीशु ने जो बलिदान किया हुआ है उसको आप व्यर्थ ठहरा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह जो वचन हमने पढ़ा वह वचन इस प्रकार बता रहा है कि जो सबके लिए मरा, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जो यीशु मसीह सबके लिए मरा, मतलब उसने सबके लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, वह उसने इसलिए किया कि जिनके लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया वे सब, मतलब सारी मनुष्य जाति, आगे से खुद के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो मरा और तीसरे दिन जीवित हो उठा उसके लिए, मतलब उस यीशु मसीह के लिए जीवन जिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जानते हैं कि यीशु मसीह 33 साल इस पृथ्वी पर रहा और जब परमेश्वर पिता की योजना पूरी होने का समय हो गया, उस वक्त एक गुरुवार की रात को उसको पकड़ा गया, उसको सताया गया, शुक्रवार के दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब जीवित था तब उसने बता कर रखा था कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन बाद फिर से जीवित हो जाऊंगा, और उसने वह करके दिखाया। क्रूस की मृत्यु सहने के बाद वह तीसरे दिन, मतलब रविवार के दिन, फिर एक बार जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने यह जो सब कुछ किया वह क्यों किया? वचन इस प्रकार बताता है, वह मर गया और फिर एक बार जीवित हो गया इसलिए कि जिन लोगों के लिए, मतलब सारी मनुष्य जाति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया, वह सारी मनुष्य जाति अब आगे से खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवन बिताए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने किया हुआ बलिदान जो है वो हमारे केवल पाप क्षमा के लिए या फिर हमें बंधनों से मुक्ति देने के लिए नहीं था, बल्कि पाप क्षमा मिलने के बाद, शैतान की बंधनों से मुक्ति मिलने के बाद, हम हमारा आगे का जीवन उसके लिए बिताए, उस यीशु मसीह के लिए बिताए, इसलिए उसने बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम संसार की तरफ देखते हैं तो हर एक मनुष्य अपने ही खुद के जीवन में व्यस्त हो गया है। वह सिर्फ खुद का ही देखता है, अपने परिवार का ही सिर्फ देखते रहता है, उसमें वो व्यस्त हो गया है। लेकिन परमेश्वर है या नहीं, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया हुआ है, इस विषय में सोचने के लिए आज मनुष्य के पास समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य इस विषय में सोच नहीं रहा है, लेकिन आज हमें अपने आप को यह एक सवाल पूछना है कि यीशु मसीह को जानने के बाद, उसके बलिदान को जानने के बाद, उसके पुनरुत्थान को समझने के बाद, क्या हम उसकी वचन के अनुसार उसके लिए जीवन अब बिता रहे या नहीं बिता रहे हैं? यह सवाल हमें अपने आप को पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याकूब अपनी पत्री में कहता है कि यदि कोई कहता है कि मुझे विश्वास है, पर यदि उस विश्वास के अनुसार वो काम नहीं करता है तो उससे उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हमने विश्वास किया है, लेकिन उसके आगे जो उसने बताया हुआ है उसके अनुसार यदि हम काम नहीं करते हैं तो उसके बलिदान को हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और वचनों के द्वारा, वचन के अनुसार काम करना क्या होता है, एक घटना के द्वारा हम देखते हैं। किसी एक देश में एक हॉल था और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पे कुछ नक्सलवादी अंदर आ गए बंदूकें लेकर।
और वहाँ पे उन लोगों को उन्होंने प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया, और वहाँ पे जो भी सामान था सारा सामान उन्होंने तहस नहस कर दिया, और वहाँ पे एक यीशु की तस्वीर थी उस तस्वीर को उन्होंने जमीन पर रख दिया और उन लोगों को कहा कि यदि तुम में से कोई जीवित रहना चाहता है तो तुम्हें इस तस्वीर के ऊपर थूक कर इस तस्वीर पर से चलकर तुम्हें हॉल के बाहर जाना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा उन्होंने कहा सारे लोग डर गए थे और रो रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वे सारे लोग उस तस्वीर पर चलते हुए बाहर एक एक करके निकल गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सारे के सारे विश्वासी थे, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब समय आ गया यीशु को स्वीकार करना या यीशु का इनकार करना, उस वक्त उन्होंने क्या किया, यीशु का इनकार कर दिया। वो कह तो रहे थे कि हम विश्वासी हैं, लेकिन उनका विश्वास जब उनके कामों के द्वारा दिखाने का समय आ गया, कामों के द्वारा मतलब यीशु का स्वीकार करने के द्वारा, जब यीशु का स्वीकार करके जब उनको दिखाने का समय आ गया, उस वक्त उन्होंने यीशु का स्वीकार नहीं किया, इनकार करके उस तस्वीर पर से चले गए। लेकिन वहाँ पे एक छोटी लड़की थी, उस लड़की ने कहा कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करती हूँ, जिससे मैं प्रेम रखती हूँ, उसके साथ मैं ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, मैं यीशु को अपमानित नहीं कर सकती, ऐसा उस छोटी लड़की ने कहा। उसके हाथ में रुमाल था, उस रुमाल से उसने उस तस्वीर को पोंछने की शुरुआत की। जब उन नक्सलवादी ने देखा कि ये क्या कर रही है, तब उनको काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने गोली मारकर उस छोटी लड़की की हत्या कर दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह सत्य घटना है जो प्रदेश में हुई। इस घटना में हम देखते कि उस लड़की की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना के द्वारा हमें भी देखना है कि हमारा विश्वास उस लड़की के समान है या फिर उन दूसरे लोगों के समान है जो यीशु को अपमानित करके चले गए। हम कहते तो है कि हमारा विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास किस प्रकार का है, उस लड़की के समान है या फिर उन लोगों के समान है। जब विश्वास दिखाने का समय आ गया, वो यीशु को अपमानित करके चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह फिर एक बार इस संसार में आने वाला है, इस संसार का न्याय करने के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 में उसने चेतावनी देकर रखी है कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक ने जिस प्रकार के काम किए हुए हैं, उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलने वाला है। वचन में बताया गया है, जैसे जैसे काम किया है उसके अनुसार प्रतिफल मिलने वाला है, केवल विश्वास के द्वारा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को परखना है, हम केवल यीशु के ऊपर विश्वास रखे हैं या फिर जैसा उसने बताया है उसके अनुसार हम वचन को पूरा भी कर रहे हैं, हम केवल विश्वास रखकर शांत हो गए हैं या फिर जैसा उसने बताया है उसके अनुसार वचनों के द्वारा हम कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए जीवन जी रहे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार यीशु बता रहा है कि आगे से हमें यीशु के लिए जीवन बिताना है। यीशु के लिए जीवन बिताना मतलब उसको जो अच्छा लगता है वही करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसको जो काम अच्छे लगते हैं वो काम करना, जो काम उसको अच्छे नहीं लगते वो काम नहीं करना, और जिस प्रकार उसने आज्ञा दी हुई है उसके अनुसार उसके प्रेम के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में दूसरों को बताना, यही वो हमसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह एक व्यक्ति ने उड़ीसा से यहाँ पर फोन किया और उसने अपने जीवन के बारे में बताया। वो उसने कहा कि पहले उसका जीवन बहुत बुरा था, लेकिन जब वो यीशु के पास आया तब उसका जीवन बदल गया। वो वहाँ पे कुली का काम करता है, कुली मतलब जो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, वैसा काम वो वहाँ पे करता है। और उसने कहा कि उस काम के लिए बैच की ज़रूरत होती है और वो बैच उसके पास नहीं था, तो उसके लिए उसके विषय में उसने प्रार्थना विनती यहाँ पे भेजी थी। और उसने आगे कहा कि जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ वो मेरा काम देखकर वहाँ के जो रेलवे कर्मचारी है वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं,
और उन्होंने उनको ऐसा भी कहा, इस भाई को ऐसा भी कहा कि तू कितने साल ये कुली का काम करता रहेगा, उससे अच्छा हम तुम्हें हमारे ऑफिस में काम करने का मौका देंगे, तुम हमारे लिए काम किया करो, तुम्हें बैच की जरूरत नहीं लगेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वक्त उस भाई ने उन अधिकारियों को जो जवाब दिया वो काफी अचंभित करने वाला था। उस भाई ने उनको कहा कि यदि तुम मुझे आपके ऑफिस में काम करने के लिए देंगे तो मुझे यहाँ पर एक जगह पर बैठकर काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ 5-10 लोग रहते उनके साथ ही मिलकर मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन जो काम मैं बाहर करता हूँ वह काम करते हुए मैं बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात करता हूँ और उनको यीशु का सुसमाचार बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बाहर यीशु का सुसमाचार लोगों को बता पाता हूँ, यीशु ने किस तरह से मेरा जीवन बदल दिया वे मैं लोगों को बताता हूँ, जिससे उनका जीवन भी बदल जाता है। और उसने आगे कहा कि इसी काम में मैं काफी आनंदित हूँ। उसने आगे यह भी कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वही काम मैं करता हूँ, मुझे बैच नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन यही कुली का काम मैं करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा और जो घटनाएं हमने देखी उसके द्वारा हमें अपने आप को परखना है कि क्या हम सचमुच में यीशु के लिए जीवन बिता रहे हैं या नहीं। यीशु के बलिदान को, यीशु के पुनरुत्थान को हमने सही रूप में जान लिया है या नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने केवल उसका बलिदान ही नहीं किया बल्कि वह तीसरे दिन बाद जीवित भी हो गया, ताकि हम लोग जान जाए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था बल्कि वह मनुष्य रूप में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही यीशु मसीह अब ऐसा कह रहा है कि मैंने अपने प्राणों का बलिदान होने दिया है, मैं फिर एक बार तीसरे दिन जीवित हो गया हूँ। किस लिए? ताकि जिनके लिए मैंने यह सब कुछ किया वह सारी मनुष्य जाति आगे से अपने खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए, मतलब यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस वचन को जानने के बाद भी यदि आप खुद के बारे में ही सोच रहे, यदि आप खुद के ही अनुसार आपका जीवन खुद के लिए ही बिता रहे हैं, तो इसका मतलब यीशु ने जो बलिदान किया हुआ है, यीशु ने जो पुनरुत्थान यीशु का हुआ है, उसको आप व्यर्थ ठहरा रहे हैं। वचन को जानने के बावजूद भी यदि आप खुद के लिए ही जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के क्रोध को पात्र बन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि इस वचन को जानने के बाद आगे से आप खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए, उस यीशु के लिए जीवन बिताने की शुरुआत करोगे, उसकी कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए आप जीवन बिताने की शुरुआत करेंगे, तो प्रभु निश्चित ही आपके जीवन के द्वारा खुश हो जाएगा। और जब वो दूसरी बार इस संसार में आएगा तब आपको उसके साथ अनंतकालीन स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।